नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। और ये बड़ी खबर मधुबनी जिले के अंदर ठाड़ी से आ रही है, जहां साले की शादी में बारात में आए दूल्हे के बहनोई को मामूली विवाद में एक युवक ने गोली मार दी। गोली पेट में लगी, गंभीर रूप से जख्मी हालत में उसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे DMCH रेफर कर दिया गया, जबकि गोली मारने वाला मौके से फरार हो गया। इधर दूल्हे की बहनोई को गोली लगने से साले की शादी के रंग में भंग पड़ गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। बारात के साथ साथ लड़की पक्ष से आए मेहमान भी धीरे धीरे नदारद होने लगे। आपको बता दें कि जिस जगह ये घटना हुई है, वहाँ एक परिवार के दो बेटियों की शादी हो रही थी। दो अलग अलग जगहों से बारात आई हुई थी। घटना के समय शादी समारोह वाले पंडाल में बारातियों का स्वागत और स्टेज पर दूल्हा दुल्हन का जयमाला हो रही थी। घटना के बाद शादी समारोह का पंडाल पल भर में ही वीरान पड़ गया। जानकारी के अनुसार यह घटना अंदर ठाड़ी थाना क्षेत्र के पस्टन गाँव की है, जहाँ मामूली विवाद में एक युवक ने एक बाराती को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक की पहचान लौकही के पंकज गुप्ता के रूप में हुई है। लोगों ने तुरंत उसे अंदर ठाड़ी के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सक ने जख्मी पंकज गुप्ता प्राथमिक उपचार के बाद में DMCH रेफर कर दिया। पुलिस छानबीन में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की रात पस्टन गाँव निवासी रविन्द्र प्रसाद की दो पुत्रियों की बारात एक साथ लौकही और उच्चैठ दुर्गा स्थान गाँव से आई थी। बारात आने के बाद विवाह के पंडाल में जयमाला और नाश्ता आदि का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान ही लौकही से आई बारात में आए दूल्हे के बहनोई पंकज गुप्ता अपने दो साथियों के साथ शादी पंडाल से बाहर निकलकर बगल की एक दुकान पर पान खाने आया था। वहां खड़े पस्टन गांव के अखिलेश सिंह के साथ पंकज की किसी बात पर बहस होने लगी थी। बहस के दौरान ही अखिलेश सिंह ने पंकज को पेट में गोली मार दी। अंदर ठाड़ी थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सानी ने बताया कि विवाद के कारण पता नहीं लगा है, अखिलेश सिंह गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस अपराधी को खोज रही है। पुलिस घटना स्थल पर से एक बाइक एवं गोली का एक खोखा बरामद किया है। संवाद प्रेषण तक पुलिस को कोई आवेदन पत्र नहीं मिला था। लड़की के पिता रविंद्र प्रसाद ने बताया कि वे लोग शादी के कार्यक्रम में व्यस्त थे। घटना के बाद पंडाल और घर में हड़कंप और भगदड़ मच गई थी। परिवार के सदस्य घटना से मर्माहत व स्तब्ध है। अंदरठाड़ी से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। रात में जो गोलीकांड हुआ है, कैसे हुआ है? देखिए, हम लोग मैंने लड़की का भाई है, तो सब बराती आ गया था यहाँ पंडाल का। पता चला कि दो बारात आई हुई थी। हाँ, दो मैंने दोनों बहन का था। कहाँ कहाँ से आए? दुर्गा स्थान और लोखी। ये जो घटना हुई है वो कहाँ वाले के साथ हुआ है? ये घटना लोखी वाला के साथ हुई है। कैसे हुई ये घटना? देखिए, सब बराती आ गया था पंडाल में। दुकान पर पान दुकान खुला था, पान खाने के लिए गया तीन लोग। पान दुकान वाले क्या नाम है? गुजराज सिंह है। पान खाने के लिए गया और क्या हुआ, बातचीत क्या हुआ वो तो नहीं मालूम है, पर 10-5 मिनट के बाद हल्ला हुआ कि गोली मार दिया। हम लोग गए तो वहाँ तो अखिलेश सिंह सोए थे, मारा था जो दो आदमी था, गोली मार दिया इसलिए मार रहा था इसको। फिर हम उसको छुड़ा दिए। अखिलेश सिंह कौन है? ये पश्चिमी का, वही गोली मारा था। हाँ, जो दो आदमी था ना, वो बोल रहा था कि ये दोनों मारा है गोली, इसीलिए इसी को मार रहा था। अच्छा, हम लोग बोले कि काहे मार दे, इसको छोड़ दो, छोड़वा दिए। इसके बाद वो अखिलेश सिंह बोलने लगे हमको मार दिया। उसको छोड़वा के बैठाए तो हम पूछे किसको गोली मार दे, बोला उधर। तो हम लोग इधर आ गए, तत्काल वो अकेला पड़ गया, कोई नहीं था इसके पास। जब तक इधर आए कि तब तक वो भाग गए यहाँ से, अखिलेश सिंह भाग गया वहाँ से। जी, भाग गया। फिर स्कूल लेके गए, हॉस्पिटल लेके गए, अंदरठाड़ी रेफरल अस्पताल। हाँ, रेफरल अस्पताल जी। वहाँ से फिर बोल दिया नहीं यहाँ होगा, रेफर कर दिया दरभंगा। तो अस्पताल से एम्बुलेंस का सुविधा वगैरह मिली? मिला, सुविधा मिला।